जब भी हम सरकारी नौकरी की तैयारी की बात करते हैं सबसे पहले हमें ये बताया जाता है कि एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी भी ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी, अपडेट एनसीईआरटी, तो अलग अलग तरह की एनसीईआरटी क्या होती है और ये सभी एनसीईआरटी किताब एक जगह कहाँ मिलेगी और कम समय में कैसे तैयारी करें। खासकर हिंदी मीडियम के अभ्यर्थियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है क्योंकि इंग्लिश मीडियम के अभ्यर्थी जो सीबीएसई बोर्ड से पढ़े होते हैं कहीं ना कहीं वो एनसीईआरटी एक बार पढ़ चुके होते हैं, उनके लिए एनसीईआरटी उतनी बड़ी समस्या नहीं होती जितना हिंदी मीडियम के अभ्यर्थियों के लिए होती है। क्योंकि हिंदी मीडियम के अभ्यर्थी है वो सबसे पहले जब उसे तैयारी करने की बात कही जाती है उसके जेहन में लूसेंट डाला जाता है और उसे लूसेंट ही पढ़ाया जाता है। लेकिन आज ये जानेंगे कि सफलता की जो रहस्यमयी कुंजी है वो आपकी एनसीईआरटी है और एनसीईआरटी की 6 से 12 तक की संपूर्ण किताबें और 6 से 12 तक की एनसीईआरटी में कहां कहां से आपको पढ़नी है, क्या क्या चीजें पढ़नी है। और आपको भी ये जानना जरूरी है कि एनसीईआरटी में सबसे जो प्रमुख होता है कि एनसीईआरटी की नोट्स कहां से मिल जाए, क्योंकि एनसीईआरटी की नोट्स आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि एक ओल्ड एनसीईआरटी है। अगर आप दिल्ली के मुखर्जी नगर में जाएंगे, चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, या एलटी ग्रेट हो, बीयू की तैयारी हो, आरओ की तैयारी हो, सुपर टेट की तैयारी हो, या यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी हो, लोअर पीसीएस की तैयारी हो, या हम बात करते हैं कि सीटेट की तैयारी करनी हो, या टीजीटी पीजीटी की तैयारी करनी हो, किसी राज्य की परीक्षा की तैयारी करनी हो, राज्य लोक सेवा आयोग की तैयारी करनी हो, माने किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करने से पहले आपका एनसीईआरटी जो है ना वो एक बार क्लियर होना चाहिए। क्योंकि एनसीईआरटी आपकी लेखन शैली के साथ साथ जो शब्द के भंडार होते हैं, आजकल परीक्षाओं में जो शब्दों का जाल बुने जा रहे हैं ना वो सब एनसीईआरटी की देन है और वो सारे शब्दों के जाल एनसीईआरटी से ही पकड़ के लाए जा रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहला, अगर आपको लग रहा है कि भर्ती थोड़ी सी दूर है और आपको अपना बेस मजबूत करना है, जीएस की जमी तैयार करनी है, तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पर फोकस करना होगा। आज हम जानेंगे एनसीईआरटी में किस किस कक्षा में क्या क्या चीजें पढ़नी है, खासकर उसके लिए टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड यूपी ट्रिपल एससी यूपीपीएससी यूपीएससी उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर हिंदी मीडियम के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये हो जाती है कि एनसीईआरटी की सभी नोट्स हिंदी मीडियम में नहीं मिल पाती। इंग्लिश मीडियम में बहुत सारी जगह आपको नोट्स मिल जाएंगी, किताबें मिल जाएंगी, लेकिन जब हम इंग्लिश मीडियम की बात करते हैं तो वहां पर ये चीजें आकर शून्य जैसे प्रतीत होती हैं। आज हम बात करेंगे 6 से लेकर 12 तक के अलग अलग कक्षा के कौन कौन से विषय के ई लर्निंग विद दुर्गेश पर पीडीएफ में नोट्स उपलब्ध एनसीईआरटी, क्योंकि मुझे भी जब भी समय मिलता है मैं ई लर्निंग विद दुर्गेश के एनसीईआरटी के नोट पढ़ता हूं जो ई लर्निंग विद दुर्गेश ऐप है और इनकी पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं ई लर्निंग विद दुर्गेश से। लेकिन हम ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से विषय आपकी किन किन चीजों के लिए महत्वपूर्ण होगी। चलिए शुरू करते हैं। वैसे अगर यहां तक वीडियो बने तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, वीडियो को फेसबुक पर देख रहे फॉलो लाइक करिएगा। अब हम बढ़ते हैं एनसीईआरटी के 6 से 12 तक के सभी विषयों की तरफ कि कौन कौन से विषय के नोट्स ओल्ड एनसीईआरटी जो बहुत पहले चलती थी, फिर बाद में न्यू एनसीईआरटी आई, अब अपडेटेड एनसीईआरटी अब आया है क्योंकि सिलेबस आपने देखा कुछ कट पिट गया है, तो अब नया जो सिलेबस है उसके आधार पर भी पूरी नोट्स लर्निंग विद दुर्गेश पर आपको मिल जाएंगे। ये पूरी नोट्स टाइपिंग में मिलेंगे ताकि आपको अभी आज ही आप ये देख पाएंगे कि नोट्स में आपको क्या-क्या चीजें मिलने वाली है। तो पूरा समरी हम लेकर आए हैं, टोटल जो चैप्टर्स हम बात कर रहे हैं कुल 1266 चैप्टर्स है, मतलब लगभग 1300 अध्याय, लेकिन 1300 अध्याय आपको नहीं पढ़ने हैं, उनमें भी देखना है। ये जो क्लास के सब्जेक्ट वाइज है, चैप्टर वाइज, मतलब ये क्लास के हिसाब से आपको मिलेगा, चैप्टर के हिसाब से मिलेगा, ऐसा नहीं कि आपको अब जैसे अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे क्लास 6 की अगर बात करें तो क्लास 6 में इंग्लिश और हिंदी, तो यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी में यहाँ पे ग्रामर लिटरेचर, तो यहाँ पर जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं उनके लिए कक्षा 6 से लेकर 12 तक की इंग्लिश की ये पूरा पढ़ना होगा, ठीक है। कंपोजिशन है, ग्रामर है, लिटरेचर है, तो ये पूरा जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जो इंग्लिश से टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, जिनको मुख्य परीक्षा देनी है, ध्यान दीजिएगा, यूपीपीएससी या यूपीएससी की जिनको मुख्य परीक्षा लिखनी है उनके लिए भी ये काफी सहयोग करते हैं शब्द के लिए, ताकि जो निबंध वगैरह पूछे जाते हैं कई बार इनकी मदद करते हैं। हिंदी में देखिए सारांश और व्याकरण है, तो ये सारांश व्याकरण जो हिंदी के एनसीईआरटी है ये आपको हिंदी से टीजीटी पीजीटी, चाहे नवोदय विद्यालय हो, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी हो, या केवीएस का टीजीटी पीजीटी हो, या किसी राज्य का टीजीटी पीजीटी हो, वहां के लिए हिंदी और हिंदी व्याकरण का सारांश जो है ये 6 से लेकर 12 तक के लिए आपके लिए उपयोगी है और ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर 6 से लेकर 12 तक पूरी तरह से उपलब्ध है। आगे अगर हम देखेंगे तो आगे आपके सामने फिर आता है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे फिर आपके सामने आता है गणित। तो जो गणित है ये देखिए, गणित 6 से लेकर 8 तक की अगर हम बात करें तो ये सीटेट यूपीटेट, और अगर हम 6 से लेकर 10 तक की बात करें तो 6 से लेकर 10 तक जो आरओ एआरओ बीओ यूपीपीएससी यूपी
यूपीएससी और अन्य जो भर्ती परीक्षाएं हैं उनमें 6 से लेकर 10 तक का गणित लेवल है और 6 से लेकर 8 तक में जूनियर सीटेट, जूनियर यूपीटेट या शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में 10 तक के लेवल आपको मिलते हैं। लेकिन टीजीटी पीजीटी के लिए 6 से लेकर 12 तक की पूरी गणित आपको एनसीईआरटी के एक बार पढ़नी चाहिए, क्योंकि यहां से गणित में ये समझ में आएगा कि गणित के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे हल किया जाता है, उस पर पे भी आप फोकस कर पाएंगे। और आगे अगर हम देखें तो सामाजिक विज्ञान ये सबसे अहम है, सामाजिक विज्ञान की बात करें सबसे ज्यादा अहम आपके लिए है सामाजिक विज्ञान, सॉरी विज्ञान आ गया। विज्ञान की भी कहानी वही है, 6 से लेकर 8 तक के लिए जो विज्ञान है ये सामान्य विज्ञान है। जैसे अगर आप यूपी ट्रिपल एससी की पेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं या पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो 10 तक, वैसे 6 से लेकर 8 तक अपर साइंस के जो है अपर प्राइमरी के लिए है और टेट है, सी टेट है या जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा है उनके लिए 6 से 8 तक। वैसे सामान्य में अगर देखा जाए तो 6 से लेकर 10 तक के लिए विज्ञान पढ़नी होती है आपको, कॉमन है सभी के लिए। 6 से लेकर 10 तक की साइंस यूपीएससी है, यूपीपीएससी है, आरओ आरओ बीओ है, एलटी ग्रेड है, जीजीएसई है और अन्य जो सामान्य दल की सीरीज है, पुलिस है, दरोगा है, यूपी का सुपर टेट है उनके लिए या किसी राज्य का है तो उसके लिए 6 से 10 तक। और अगर आप टीजीटी पीजीटी के लिए पढ़ रहे हैं तो यहां पे 6 से लेकर 12 तक अपने विषय के लिए, अपने अपने विषय के लिए 6 से लेकर 12 तक, तो ये सभी एनसीईआरटी ई लर्निंग विद दुर्गेश पर आपके लिए उपलब्ध है। उसके बाद हम बात करते हैं सामाजिक का, जिसे एसएसटी के नाम से भी जानते हैं। तो 6 से लेकर 8 तक के जो एसएसटी है वो सामान्य जो परीक्षाएं हैं, जैसे जो केवीएस पीआरटी है, सीटेट प्राइमरी, सीटेट जूनियर, यूपीटेट प्राइमरी, यूपीटेट जूनियर और उसके साथ साथ शिक्षक भर्ती परीक्षा, ये सामान्य में अगर हम बात करें एनसीईआरटी की, क्योंकि जड़ है, ये बेस है, तो यहां पर हमने देखा कि इसमें नागरिक शास्त्र, भूगोल और इतिहास पढ़ना है। और उसके अलावा अगर सामान्य अध्ययन को उसके अलावा अगर विषयवार पढ़ना चाहते हैं, जैसे टीजीटी पीजीटी के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आप टीजीटी पीजीटी या यूपी पीएससी या यूपीएससी इनकी तैयारी कर रहे हैं या अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जहां एनसीईआरटी का रोल है, तो अलग अलग विषय की पहले 6 से लेकर 12 तक, अगर टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो 6 से लेकर 12 तक की एक बार पूरी एनसीईआरटी आपको देखनी चाहिए, 6 से लेकर 12 तक की संपूर्ण एनसीईआरटी आपको देखनी, जिस विषय की है, जैसे नागरिक शास्त्र में जा सकते हैं, भूगोल वाले भूगोल में, इतिहास वाले इतिहास में, टीजीटी में दो विषय हो तो दो विषय से तैयार कर सकते हैं, पीजीटी वाले एक विषय के लिए फोकस करें, बाद में आप मार्केट से जो भी किताबें चाहे पढ़ सकते हैं, जो भी प्रैक्टिस सेट चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले प्रथम दृष्टि आपको 6 से लेकर 12 तक के सभी विषयों को पढ़ना चाहिए। लेकिन कॉमन सेंस की अगर बात करें, कॉमन मैन की अगर हम तरह देखें, सामान्य स्टूडेंट की तरह देखें, सामान्य स्टूडेंट में सबसे पहले 6 से लेकर 8 तक के एनसीईआरटी की सभी किताबें आपको पढ़ना चाहिए, जिसमें विज्ञान अहम है, विज्ञान हो गया आपके लिए, सामाजिक विज्ञान हो गया, ये दोनों आपको पढ़ने चाहिए। अगर आपकी गणित वीक है तो 6 से लेकर 8 तक के गणित को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं एनसीईआरटी का, क्योंकि बहुत सारे सवाल आपको हूबहू परीक्षा में मिल जाएंगे। अब 7 में भी इसी तरह है, 7 में भी आपको ये सारे नोट्स लेने में दुर्गेश उपलब्ध है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। इसमें कच्चा 7 में इंग्लिश आपको मिल जाएगी, हिंदी मिल जाएगा, गणित मिल जाएगा, विज्ञान मिल जाएगा और सामाजिक विज्ञान में एसएसटी में नागरिक शास्त्र, भूगोल, इतिहास में। अगर तो यहाँ पर हम देखें तो आपको टोटल जो था ये कक्षा 7 में है, अब कुल 159 चैप्टर्स थे। और आगे हम देखेंगे तो ये देखिए ऊपर हम लोग देख रहे हैं ये फाइल, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, उनको हमारे जो काम के हैं बस उन्हीं तथ्यों को हम लोग देखेंगे। अब 7 का हो गया, अब कक्षा 8 में चलते हैं, तो कक्षा 8 में अगर हम देखेंगे यहां पे भी सेम चीजें हैं, इंग्लिश में ग्रामर लिटरेचर है, हिंदी में ग्रामर और सारांश है और गणित की बात करें गणित है, विज्ञान है और सोशल में नागरिक शास्त्र, भूगोल है और इतिहास। तो यहां पर हम देखेंगे 6 से लेकर 8 तक का सोशल आपको कंप्लीट करना है, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, सामान्य विज्ञान, ये एक सामान्य अभ्यर्थी के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये आपके लिए 8 तक की सबसे पहली तैयारी होनी चाहिए। मार्केट में बहुत सारी किताबें आपको मिल जाएंगी, लेकिन आपको ये बेसिक पढ़ने के बाद किसी भी किताब की तरफ फोकस करेंगे तो आपको लेखन शैली समझ में आ जाएगी, तथ्यों को कैसे लिखा जाता है, कैसे नोट डाउन किया जाता है, कब कब हेडिंग दी जाती है, कब पैराग्राफ चेंज किया जाता है, तो बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिल जाएंगी। इसके बाद 8 तक के तीनों विषय, चारों विषय, विज्ञान मतलब सामान्य विज्ञान और हिस्ट्री ज्योग्राफी, ये पढ़ने के बाद अब आगे चलते हैं 9 और 10 की तरफ। 9 10 में भी देखिए यहाँ पर टीजीटी पीजीटी वालों के लिए भी, अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे थे, मैंने आपसे बताया 6 से 12 तक अंग्रेजी पढ़नी है और 6 से 12 तक नहीं पढ़ पा रहे तो 9 से लेकर 12 तक के लिए आपके लिए कंपलसरी है। टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं 6 से लेकर 10 तक, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो 9 से लेकर 12 तक,
लेकिन वैसे आपके पास समय है तो 6 से लेकर 12 तक पूरा पढ़ लीजिएगा। इसकी भी पीडीएफ ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर उपलब्ध है, आप उसे प्राप्त कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। हिंदी के लिए भी व्यवस्था है, गणित भी आपको कक्षा 9 में मिल जाएगी। अब देखिए जैसे ही बढ़ते हैं कक्षा 9 में, तो कक्षा 9 में विज्ञान में आपको 3 अलग अलग साइंस पढ़ने को मिलती है। हिंदी मीडियम में जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, ये तीनों जो साइंस के नोट्स हैं ये ई-लर्निंग विद दुर्गेश उपलब्ध है। अब टीजीटी वाले बायो वाले बायो से, केमिस्ट्री फिजिक्स ये अपने अपने जो है ये 9 से लेकर 12 तक पढ़ सकते हैं। इवन 6 से लेकर 8 तक में भी आपको सभी जीव विज्ञान 6 से लेकर 8 तक में, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, ये तीनों आपको अलग अलग मिलेंगे। मतलब अगर आप 6 से लेकर 8 तक ई-लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स अगर आप जाएंगे ऐप में तो वहां भी अलग अलग, क्योंकि 6 के साइंस में जो बायो केमिस्ट्री फिजिक्स है उनको भी अलग अलग जो चैप्टर मिक्स है लेकिन उन चैप्टर को भी अलग अलग कर दिया गया है ताकि आपको विषयवार जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनको सुविधा ना हो, या जो किसी भी तरह से जैसे मान लो वो टीट की तैयारी कर रहा है, सुपर टेट की तैयारी कर रहा है, या सीटेट जूनियर की तैयारी कर रहा है, तो यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहा है, पेट की तैयारी कर रहा है, तो उसको भी सुविधा ना हो, वो एक बार पूरा 6 से लेकर 8 तक की जीव विज्ञान पढ़ ले, बायो पढ़ ले, 6 से लेकर 8 तक रसायन पढ़ ले, 6 से 8 तक फिजिक्स पढ़ ले, इस तरह से पूरा उसका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूरी तरह से कंप्लीट 6 से 8 तक हो जाएगा। इसलिए तैयार किया गया है नोट्स में ताकि टीजीटी पीजीटी के अभ्यर्थियों को भी असुविधा ना हो और पढ़ने वालों को भी असुविधा ना हो, क्योंकि बच्चे जब पूरे एक साल में पढ़ते हैं, अच्छा 6 का बच्चा पूरा 6 में एक साल में खत्म करता है साइंस को, 7 में एक साल में, 8 को एक साल में, लेकिन अब आपको 10 से 15 दिन में कक्षा के सारे विषय, मतलब 8 से 10 दिन में पूरा 6 से 8 तक के साइंस को खत्म करनी है। इसके लिए चैप्टर वार होगा तो आपको जल्दी ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। वैसे आपकी इच्छा है तो क्रमवार भी ले सकते हैं और पूरे विषयवार भी आपको कंप्लीटली मिल जाएंगे। अगर सामाजिक विज्ञान की बात करें तो अर्थव्यवस्था जो थी, देखिए अर्थशास्त्र जो था वो 6, 7, 8 में आपको नहीं मिलता, 6, 7, 8 में आपको नागरिक शास्त्र मिलता है, इतिहास मिलता है, भूगोल मिलता है, 9 में आने के बाद अब मिल जाता है। अब टीजीटी पीजीटी का जो विषय का चयन होता है इन 4 में से 2 करना होता है, शायद आपको याद होगा यूपी से अगर होंगे, वैसे भी टीजीटी में आप देखेंगे अलग अलग राज्यों में भी अलग अलग प्रावधान है, तो आप अपने विषय के क्रम के हिसाब से आप इसकी नोट्स ई-लर्निंग विद दुर्गेश से प्राप्त कर सकते हैं। ई-लर्निंग विद दुर्गेश से इसकी नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। ई-लर्निंग विद दुर्गेश पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध है, ऐप पर उपलब्ध है और चाहे तो व्हाट्सएप पर भी जानकारी ले सकते हैं। अब एकल विषय जो पढ़ना चाहते हैं वो एकल विषय को पढ़ लें, लेकिन जो सिविल के अभ्यर्थी हैं, जो सुपर टेट के अभ्यर्थी हैं, वो 10 तक के लिए कक्षा 10 तक ये चारों सोशल पढ़ लें, माने पूरी सामाजिक विज्ञान जो एसएसटी है 6 से लेकर 10 तक के लिए उनके लिए कंपलसरी है, वो पूरा कंप्लीटली पढ़ लें। जो एकल विषय जैसे वो पेट की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की अगर हम बात करें तो वो आरओआरओ की तैयारी कर रहे हैं, बीओ की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मतलब जो भी आपका जो फाउंडेशन अगर आप बना रहे हैं, फाउंडेशन तैयारी कर रहे हैं जीएस के लिए, तो ये 6 से लेकर 10 तक के लिए बहुत ही जरूरी है आपके लिए। और इसकी पूरी नोट्स किताबें आपको ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी, अपडेटेड एनसीईआरटी अलग अलग जगह मिले ना मिले, लेकिन नोट्स के माध्यम से आपको एक ही जगह सब कुछ मिल जाएगा, पूरी टाइपिंग नोट्स होगी आपकी पूरी। आगे हम बात करते हैं, यही कक्षा 10 में भी होगा, वहां पे ग्रामर है, लिटरेचर है, इंग्लिश में मैंने बता दिया शुरुआत में ही, हिंदी है, गणित में गणित के लिए, विज्ञान में यहाँ पे जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान अलग अलग है, ठीक है, और सामाजिक विज्ञान एसएसटी में भी राजनीति विज्ञान है, अर्थशास्त्र है, भूगोल, इतिहास है, कैसे पढ़ना ये भी मैंने बता दिया, इसकी भी पूरी नोट्स उपलब्ध है। अब हम बढ़ते हैं कक्षा 11 की तरफ। 11 में भी देखिए, अब 11 में अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी कॉमर्स होती है, ह्यूमैनिटी होती है, साइंस होता है, तीनों के भी नोट्स उपलब्ध हैं। अब यहाँ पे टीजीटी पीजीटी के अभ्यर्थियों के लिए, खासकर जो पीजीटी के अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी यहाँ पे चीजें एनसीईआरटी में मिलने वाली है, मतलब उनके लिए भी यहाँ पे दिक्कत नहीं है। टीजीटी पीजीटी किसी की भी तैयारी करिए, आपको पूरी एनसीईआरटी। अब इंग्लिश हो गया, समरी है, रीडिंग है, राइटिंग है, ग्रामर है, तो टीजीटी पीजीटी वालों के लिए अनिवार्य है, क्योंकि अब जैसे 11 में बढ़ते हैं अब यहाँ पर लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी केवल टीजीटी पीजीटी वालों के लिए रहेंगे, बाकी के लिए अब यहाँ पे पढ़ना नहीं है। हिंदी भी हो गया, साइंस में भी देखिए, गणित हो गया, साइंस में अगर हम बात करें कक्षा 11 में तो गणित वालों के लिए गणित पढ़ना है, विज्ञान वालों के लिए विज्ञान, रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान वाले भौतिक, और शारीरिक शिक्षा वाले को शारीरिक शिक्षा। शारीरिक शिक्षा में जो टीजीटी देने जा रहे हैं, पीजीटी जिनकी है अलग अलग राज्यों के हिसाब से होता है, तो यहाँ पर भी आपको शारीरिक शिक्षा की नोट्स पूरी कंप्लीटली 11-12 की मिल जाएगी, जो घर बैठे आप प्राप्त कर सकते हैं, और ये पूरी फुली एनसीईआरटी होगी, ये फुली एनसीईआरटी होगी आपके लिए, फुल एनसीईआरटी नोट्स होगी, ओल्ड न्यू एनसीईआरटी को मिलाकर तैयार किया गया माइंड मैप कॉन्सेप्ट के साथ।
और ये विषयवार भी अपना पढ़ सकते हैं, जिनको जो विषय से पढ़ना है, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित वाले गणित में, क्योंकि लोग को समस्या होती है। अब वाणिज्य की अगर हम बात करें, कॉमर्स की बात करें, तो लेखा शास्त्र मिल जाएगी 11 की आपको, व्यवसायिक अध्ययन मिल जाएगा, अर्थशास्त्र मिल जाएगा। माने कॉमर्स से जो तैयारी करना चाह रहे थे उनको नोट्स नहीं मिल रहे थे, वो आप एनसीईआरटी पढ़ ले एक बार, उसके बाद किसी भी राइटर को पढ़ें जो आपको लगता है कि आपसे पढ़कर तैयारी कर सकते हैं या आपके लिए है। फिर कला और मानविकी अगर बात करें तो इसमें इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, समाजशास्त्र। अब समाजशास्त्र वालों को दिक्कत होती, सर एनसीईआरटी में समाजशास्त्र कहाँ मिले, घबराइए नहीं, इलानी भी दुर्गेश के नोट्स आपके समाजशास्त्र मिल जाएगा, भूगोल वाले भूगोल पढ़ लेंगे। देखिए समाजशास्त्र 11-12 मिल जाएगा, भूगोल 6 से लेकर 12 तक मिल जाएगा, राजनीति विज्ञान 6 से लेकर 12 तक मिल जाएगा, इतिहास 6 से लेकर 12 तक मिल जाएगा, अर्थशास्त्र जो है आपके लिए ये 9 से लेकर 12 तक आपको मिल जाएगा, व्यवसायिक अध्ययन जो है ये 11-12 में आपको मिल पाएगा, लेखा शास्त्र आपको 11-12 में केवल मिल पाएगा, कक्षा 12 में भी सेम पैटर्न है आपके लिए, जो मैंने ऊपर बताया वही यहां पर भी है। तो इस तरह से आप अपनी राजनीति विज्ञान, राजनीति विज्ञान तैयारी कर सकते हैं। इस प्रकार हमने और आपने देखा कि पूरी तरह से जो पूरी एनसीईआरटी है वो आप यहाँ से ई-लर्निंग विद दुर्गेश से प्राप्त कर सकते हैं। जिन भी साथियों को चाहिए उसके लिए आप चाहें तो ई-लर्निंग विद दुर्गेश का टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है दुर्गेश सर, क्या सर्च करना है दुर्गेश सर, जैसे ही आप दुर्गेश सर सर्च करते हैं ई-लर्निंग विद दुर्गेश टेलीग्राम आ जाएगा, और टेलीग्राम पर आपको डे बाय डे नोट्स भी मिलती रहेगी। क्योंकि मैं भी आज गेस्ट के रूप में जब भी मुझे समय मिलता है इलानी दुर्गेश में पढ़ाने के लिए आ जाता हूँ, और एनसीईआरटी नोट्स मैं भी खुद पढ़ता हूँ, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने आपके सामने इस वीडियो को लाके रख दिया। और चाहते हैं कि नोट्स आपको मिल जाए पीडीएफ में, इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, अब चाहते हैं कि पीडीएफ फॉर्मेट में आपको डे बाय डे नोट्स मिलते रहे तो उसके लिए एक नंबर और है, इसमें अपना नाम और जिला लिखकर भेज सकते हैं और ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, जहां से आपको नोट्स की डेली एक दो दो कॉपी प्रतियां चैप्टर वाइज आपको मिलती रहेंगी। टेलीग्राम पे जुड़िए, ई-लर्निंग विद दुर्गेश ऐप भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे, वहां आपको चैप्टर के हिसाब से पूरी मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात, ये नोट्स हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों पर उपलब्ध है। कुछ लोग कहेंगे सर मैं इंग्लिश मीडियम में हूँ क्या मुझे मिल जाएंगे, जी हाँ, ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में ये 6 से लेकर 12 तक की संपूर्ण एनसीईआरटी की जो नोट्स है वो ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर उपलब्ध है। ये पूरा आप तैयार कर सकते हैं, पूरा आपको नोट्स मिल जाएगा, ये पीडीएफ फॉर्मेट में है और आप इसे लेकर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और टीजीटी, पीजीटी, आरओ, एआरओ, बीओ, यूपीएससी, यूपीपीएससी, पुलिस, सुपर टेट, टेट, जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं, ईएमआरएस, जितनी भी भर्ती परीक्षाएं, क्योंकि जानते हैं एनसीईआरटी के बिना कुछ भी नहीं होने वाला। तो जब जानते हैं एनसीईआरटी बेस है तो फिर इसे भागने कहां तक आप भाग पाएंगे। और ई-लर्निंग विद दुर्गेश ऐप भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, ई-लर्निंग विद दुर्गेश, ये नंबर आपको साफ नहीं दिख रहा है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सकता है आपको साफ नजर आ रहा है, 6306344367। इन नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, नोट से संबंधित सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे। और फ्री के नोट जो है टेलीग्राम पर आपको डे बाय डे मिलते रहेंगे, यहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं, और फेसबुक पर भी लर्निंग विद दुर्गेश नोट्स मिलते रहेंगे। और वैसे इस वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, फेसबुक वीडियो को देख रहे हैं फॉलो लाइक करिएगा, और मेरा भी इंस्टाग्राम है दुर्गेश अशोक जायसवाल, फेसबुक मुझे भी फॉलो कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर भी दुर्गेश जायसवाल सर के नाम से फॉलो कर सकते हैं, वैसे आपकी मर्जी। और एज ए गेस्ट के रूप में मैं इसे पढ़ाने के लिए आता हूँ, और जल्दी मैं इसकी एनसीईआरटी की सीरीज में आपके लिए लाइव शुरू कर रहा हूँ, और आप उसे डे बाय डे प्रत्येक चैप्टर की सीरीज हम लेकर आपके लिए आते रहेंगे। वैसे कोई सुझाव हो, कोई फीडबैक हो तो वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मैं जरूर बताएगा। एनसीईआरटी की हिंदी मीडियम में पूरी नोट्स आपके लिए है, इंग्लिश मीडियम में भी पूरी उपलब्ध नोट्स है, तो अपनी तैयारी को और बेहतर करने के लिए और आज से ही अपने कल को बनाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अब की बार एक सीट हमारे का सपना पूरा होगा, बिना फाउंडेशन के कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पर लेखन शैली के साथ साथ और इसकी एमसीक्यू भी सीरीज आपको जल्दी मिल जाएगी, लेकिन फिलहाल पहला काम तो है कि पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं जगह, किसी भी जगह, एक जगह पूरी एनसीईआरटी की नोट्स कम्प्लीटली नहीं मिल पाएगी, यहाँ पर मिल जाएगी, तो अपने विषय के हिसाब से चयन करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। फिलहाल वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर नया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाते रहिएगा। उम्मीद करते हैं कोई सुझाव, कोई फीडबैक हो वीडियो में कमेंट करके हमें जरूर बताएगा, अवगत करेगा। तो आप कि एनसीईआरटी में 6 से 12 तक के लिए कौन सा विषय सबसे अच्छा आपको लगता है, या किस विषय में फोकस करते हैं, और आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें भी बताइए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मैं भी पढ़ता हूँ, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, और वैसे आप भी बताइएगा आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है कमेंट सेक्शन में, और मैं भी ई-लर्निंग विद दुर्गेश ऐप से ही पढ़ लेता हूँ। ठीक है, थैंक यू, शेयर करिएगा जरूर वीडियो को सभी लोगों तक।